तो जी हाँ भाई और बहनें, एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चौपाती पर। मेरा नाम है बम्बी और ये है हमारी प्यारी रोब्लॉक्स की बहुत ही मस्त वाली दुनिया। और मैंने सोच कर रखा है कि रोब्लॉक्स की दुनिया की जो खतरनाक वाली सिटीज हैं, मुझे वहां पर जिंदगी नहीं बितानी। और मैंने डिसाइड करके रखा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तू क्या कर रहा भाई? भाई मैं तो अपनी गाड़ी यहाँ पर फ्यूल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ये सामने कौन आ रहा है खतरनाक गाड़ी के साथ, सिटी का नजारा ले रहा हूं। तो गाइस हमें ये छोटे से आइलैंड के ऊपर मैंने देख के रखा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है बहुत सस्ती है यहाँ पर के ऊपर। तो मैंने और लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि हम यहाँ पर अपना एक बहुत ही बड़ा मैंशन बनाएंगे। ब्रो हमारे पास तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, तो वही पैसा यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे एक बहुत ही तगड़े वाले मैंशन। भाई लेकिन भाई मैं मैंशन क्यों, मैं मैंशन घर नहीं बनाऊंगा भाई, मैं बीच के ऊपर अपना खतरनाक यूट्यूबर घर खोलूंगा। अरे मेरे को भी बीच के ऊपर घर बनाना है यार। ओके तो गाइस अभी हमारे सामने आ चुका बहुत ही खतरनाक वाला बीच और मेरी स्पोर्ट्स कार बिल्कुल हवा के साथ बातें करती हुई यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। और आई थिंक ये मेरी प्रॉपर्टी है ब्रो। मुझे एक बात बता भाई, चपाती भाई वीडियो शुरू करने से पहले ये गाड़ी कहीं से चोरी करके लेकर आए हैं। मैं चोरी करके लेके आई। अरे लोग ये वाली जगह सही है क्योंकि यहाँ पर सामने बीच भी है, एक बड़ा सा प्लॉट जो है सेल पर लगा हुआ है और बिल्कुल प्लॉट के सामने शॉपिंग सेंटर भी है ब्रो। तो ये वाली जगह जगह है गाइस, ये एकदम जबरदस्त होने वाले। तो गाइस मैंने डिसाइड करके रखा है कि हम अपना घर यहीं पर बनाएंगे और मैंने प्लॉट बाय कर लिया। ओ माय गॉड लोग, तेरा प्लॉट कहां पर है भाई? ये रहा भाई, तू तो आधा घर तूने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया भाई, मेरे को पता भी नहीं था यार, तू चीटिंग कर रहा है मेरे साथ। चलो चीटिंग नहीं कर रहा हूं भाई, मैं पहले अपनी गाड़ियां पर पार्क कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा प्लॉट। ओके तो ये रही मेरी मशीन जो मेरे को पैसे बना के देगी। और ऑलरेडी ब्रो मेरे टेबल के ऊपर आ चुके 600 कॉइंस। ओह माय गॉड, एकदम खतरनाक वाली फीलिंग मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी आ रही है। ओके तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपने लिए घर के लिए फेंस बनाना है। तो ये रहा मेरा फेंस, पूरा आस पास फेंस आ चुका है। और ऑब्वियसली गाइस मुझे घर के लिए अपने फ्रंट फुटपाथ भी चाहिए। तो घर बनाते बनाते ऑलरेडी यहाँ पर रात हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी डायमंड बनाने वाली मशीन एकदम मस्त लेवल की काम कर रही है। तो यहाँ से मैं फटाफट से और पैसा उठा लेता हूँ और मेरे को भी चाहिए डायमंड ड्रॉपर। तो गाइस आई थिंक जितने ड्रॉपर, अच्छा डायमंड ड्रॉपर के लिए असली पैसे चाहिए। क्या नौटंकी हो रही है यार, यहाँ पर मेरे को और पैसे बनाने हैं। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे अपना फर्स्ट फ्लोर और साथ में मैं एक और कॉइन ड्रॉपर ले लेता हूँ। भाई मैंने डबल कॉइन ड्रॉपर ले लिया, लेट्स गो। अभी तीन तीन भाई मेरे को कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, मैं 2 सेकंड के अंदर अमीर हो रहा हूँ यहाँ पर। hey, आपका घर कहाँ पे पहुंचा? अच्छा बना रहे हो ना? बना रहा हूँ, लगा हुआ यार। तो आप ही गाइस मेरे को बाय करना फ्रंट डोर जो कि आएगा $20 का। okay. सुनो भाई, हाँ मैंने तो ऑलरेडी अपनी घर की सेकंड फ्लोर भी बना दी है। भाई तेरा घर कितना बड़ा हो गया ऑलरेडी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर 6-6 कॉइन ड्रॉपर बना कर रखे हैं। पहले 6-6 कॉइन, वो सीरियसली? मेरी टैक्टिक बहुत ज्यादा सिंपल है, पहले मैं सारे पैसे यहाँ पर बचा रहा हूँ, उससे मैं ले रहा हूँ अपग्रेड। ठीक है, ओ ये लॉजिक अच्छा हुआ। तो काम करता है गाइस, मुझे भी ये टैक्टिक आजमाना पड़ेगा। सबसे पहले पैसे सेव करो, क्योंकि अगर मैं घर के ऊपर पैसे खर्च कर लूंगा तो मेरे पास पैसे बचेंगे ही नहीं। लॉगी अगर जाने जाने में लॉगी ने मेरे को खतरनाक वाली टेक्निक बता दी है। भाई मैंने आपको टेक्निक तो बता दी, लेकिन फिर भी भाई ये सबसे खतरनाक यूट्यूबर वाला घर मेरा ही होगा। वो तो बाद में पता लगेगा ना घर किसका सबसे खतरनाक है। अरे यार मैं 3 दिन रातों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अभी तक मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। मेरी मशीन बहुत स्लो काम कर रही है, कम ऑन मशीन सब लोग कर सकती हो यार। ओके काम करते हैं गाइस, थोड़ा बहुत घर के अंदर में चीजें वगैरह बाय कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बाय करेंगे ग्राउंड फ्लोर और साथ में 50 रुपए का ये भी ले लो और साथ में 35 रुपए का ये भी ले लो। ये क्या ऐसा होटल लग रहा है मेरे को तो। और आते ही गाइस, अरे भाई सीढ़ियां भी देख रखी है और सीढ़ियां जाती कहीं कहीं पर भी नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर बाय करूंगा एक छोटा सा डेस्क, ऑब्वियसली मेरे को पूरा व्यू एंजॉय करना है। और ऑब्वियसली मेरे को चाहिए एक बैक डोर और साथ में लिविंग रूम डोर। ओके लिविंग रूम का टेबल है मेरे पास, यहाँ पर मैं रखूंगा अपने लिए खाना वगैरह खाने के लिए और मैं आराम से बैठे गाइस खाना भी खा सकता हूँ और पूरे बीच का नजारा भी यहाँ से लेंगे। और यहाँ पर मेरे को छोटी मोटी दीवार की डेकोरेशन भी चाहिए $40 की। ओके नॉट बैड नॉट बैड। और अब भी हम यहाँ पर $80 बची हैं और $80 का लीजिए गाइस, हमारा शानदार जानदार किचन यहीं पर रेडी हो चुका है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरे पास आ चुका है 25,000 कैश। और अभी मैं सबसे पहले ये सारे ड्रॉपर बाय कर लूंगा और एकदम तो सुबह भी हो चुकी है। ओ माय गॉड, हमारा घर एकदम शानदार लगने वाला है। और अब भी गाइस हमारी मशीन बहुत मस्त लेवल की काम कर रही है। और ये देखो क्या बात है, किचन सारे दुनिया का पैसा मेरी जेब में आ रहा है, लेट्स गो। और यहाँ पर गाइस मैंने ट्री भी लगा दिया और ऑब्वियसली गाइस बीच वाला हाउस है तो ट्री तो मेरे को चाहिए। और गैरेज, भाई गैरेज का डोर ही नहीं है भाई, अगर मैं अपनी लंबोर्गिनी वगैरह यहाँ पर खड़ी करूंगा तो मेरे को डोर वगैरह तो चाहिए ना यहाँ पर। तो एक काम करते हैं फटाफट से गाइस, अभी तक डोर नहीं लगा। उन लोगों ने कितने सारे पैसे मुझसे ले भी लिए फिर भी मेरे को डोर लगा के दिया ही नहीं। ओके तो यहाँ पर ये भी ले लो ये भी ले लो, सारी चीजें मैंने बाय कर लिया भाई, पैसे मैं पानी की तरह भरा हूं। लिटरली मैं एक डोर 3 बारी ले चुका हूं। और अगर मैं यहाँ पर ई दबा के देखूं तो मैं
मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी गैरेज के अंदर खड़ी कर सकता हूँ। लेट्स गो, क्या बात है, चपाती गेमर की गाड़ी एकदम बढ़िया लग रही है यार। और ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पर छोटा बहुत ड्राइववे भी चाहिए। और दोनों डोर गाइस हमारे हो चुके हैं एकदम ऑटोमेटिक। तो जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा, गाड़ी के अंदर बैठूंगा, तो दोनों डोर ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। क्या बात है। तो यहाँ पर ही मेरे को एक स्टोन वाला पास चाहिए। और ओ माय गॉड, ऑलरेडी कितना मस्त लग रहा है यार। और अभी आ चुका घर के पिछले वाला हिस्सा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा लकड़ी वाला पास। एंड ओ माय गॉड, क्या बात है। थोड़ा बहुत इसको मैं डेकोरेट कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत लाइटें मेरे को चाहिए और ऑब्वियसली बैठने की जगह भी मेरे को चाहिए, क्योंकि हम शाम का नजारा, शाम की चाय हमेशा एकदम बीच के ऊपर पियेंगे। और अभी चलते घर की छत ही नहीं है भैंस की, इतना महंगा घर बना लिया और घर की छत ही नहीं है। यहाँ पर खिड़कियों के पास गाइस मेरे को रखना है यहाँ पर एक छोटा सा सोफा, बैठने की जगह होनी चाहिए और ऑब्वियसली मेरे को टीवी भी चाहिए। तो ये रहा हमारा बहुत ही बड़ा टीवी, नीचे पड़ा है प्लेस्टेशन, साथ में एक्सबॉक्स, साथ में यहाँ पर लैंप भी लगा लो। और किचन का फ्लोर मुझे चाहिए थोड़ा बहुत सेपरेट। तीन बेडरूम हमारे पास ऊपर आ चुके हैं, तो एक बेडरूम मेरा, एक लॉकी को दे। काम करते गाइस, ये वाला कमरा हम कन्वर्ट करेंगे जिम के अंदर। तो ये रहा मेरा जिम का फ्लोर और ये रहे गाइस मेरे जिम के इक्विपमेंट। और ऑब्वियसली मेंशन वाली लुक देने के लिए मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे बड़े बड़े पिलर्स। भाई मैंने पिलर लगाए कहाँ चले गए यार, मैं 2500 खर्च रहा हूँ। और ये देखो क्या बात है, एकदम हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े घर जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग मेरे को आ रही है यार यहाँ पर तो। और ये रहा हमारे बालकनी का डोर, यहाँ पर हम रखेंगे पियानो घर के अंदर घुसते। वैसे मेरे को पियानो बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पियानो रखेंगे। पैसा पानी की तरह बहा रहा हूँ यार, मेरे पास 25,000 कॉइंस थे और अभी मेरे पास लिटरली 11,000 बचे हैं। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, वैसे अगर देखा जाए गाइस, सो फार हमारा घर एकदम बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे छोटी सी एंटी क्लॉक, बड़ी वाली घंटी, तो रात को 12 बजे घंटी बजाएगी। और अभी तक ऑलरेडी व्हाट द हेल, दोपहर के 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। और इसी के साथ मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, टोटली कंगाल हो चुका हूँ। तो बीच के ऊपर घर लेने का बस यही पंगा है यार, कंगाल होने की रेसिपी यहीं से निकलती है। तो गाइस पूरे 3 घंटे वेट करने के बाद, ओके सच्चाई बताओ तो 3 घंटे सोने के बाद अगर मैं अभी बाहर जाके देखूं तो भाई साहब ये देखो, ओ माय गॉड, नोटों की गड्डियां गाइस देख रहे हो, इतनी मोटी मोटी नोटों की गड्डियां, डायमंड्स की ब्लॉक, गोल्ड के ब्लॉक। और अगर मैं सारे उठा के देखूं तो मेरे पास आ चुकी हैं 267,000 कॉइंस। ओ माय गॉड। तो गाइस ये रहा मेरा घर एकदम, फिलहाल तो खाली खाली लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 270,000 कॉइंस मेरी जेब के अंदर आ चुके। और अभी मैं अपना पूरा घर एकदम फुल्ली अपग्रेड कर दूंगा, बेटे बीच के ऊपर घर बनाऊंगा। मुझे अपना तीसरा वाला अभी नहीं बनाना, सबसे पहले मुझे अपना बीच वाला जो हिस्सा है सबसे मुझे ये अपग्रेड कर रहा था। 8,000 का मैं यहाँ पे लूंगा प्लैंक, भैंस की यहाँ तख्ता दे रहे हैं वो भी 8,000 का। 500 कॉइंस का मेरे को यहाँ पर बीच के ऊपर पास लेना है और मैं अंदर भी नहीं जा सकता। ओके तो ये रहा मेरा एको ट्री, डेक्स भी यहाँ पर मैं बाय करूंगा। और 6,000 का मैं पता नहीं क्या क्या बाय कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सर पे खून सवार है, मुझे सब कुछ बाय कर रहा है यहाँ पर। और ये रही बोट, अरे भाई 10,000 की बोट, अरे भाई कौन कौन सी बोट है मेरे पास। और सुपर यॉट 1,000,000 कॉइंस की, अभी तो मैं सुपर यॉट नहीं लूंगा, एक काम करता हूँ छोटी सी बोट मैंने यहाँ पर ले ली है अपने लिए। तो ओके तो गाइस अभी मैं बीच के ऊपर सैर करने भी जा सकता हूँ। और अभी भी मेरे पास बची है 2,25,000 कॉइंस, एक काम करता छत के ऊपर जाके सारा पैसा मैं पूरा यहाँ पर अपग्रेड करूंगा। और हमारा मेंशन लॉकी तो कहाँ पर है भाई, मैं आपका घर सामने से देख रहा हूँ, ये आपने क्या बना दिया, ये भी बाय करो, ये भी बाय करो ब्रो, मैं लिटरली सब कुछ बाय कर रहा हूँ। टेलीस्कोप, मैं यहाँ से अपना फेवरेट प्लैनेट जुपिटर को देखूंगा। भाई मुझे स्नाइपर देख रही है आपके बालकनी के ऊपर, देख ले इससे मैं तेरे को ही गोली मारूंगा। और मेरी बालकनी के अंदर एकदम जकूजी भी मैंने बाय करके रखी हुई है। ओ माय गॉड, मेरा घर यहाँ पे सबसे बड़ा होने वाला है। और ये रहा मेरा एक और बेडरूम, तो यहाँ पर एक बेडरूम भी मैं हल्का सा डेकोरेट कर लेता हूँ। बेडरूम का इंटीरियर भी भाई मैंने यहाँ पर लगा कर रखा है, लेकिन लगे तो टेंशन मत करियो, तेरे लिए मैंने यहाँ पर गेमिंग पीसी लगा कर रखे। थैंक यू भाई, सुनो भाई मुझे भी एक रूम दे दो ना यार, मेरे घर पैसे ही खत्म हो चुके हैं, पूरा घर ही दे रहा है पैसा पानी की तरह भरा रहा हूं। ये रही गाइस हमारी लाइब्रेरी एकदम झकास, ये भी डेकोरेट करना है मेरे को। मैं लिटरली जो चीज मेरे को दिख रही है मैं सब कुछ बाय कर रहा हूँ भाई, बहुत पैसा होती है हमारे पास, हम तो दुबई के एकदम शेख बन गए यहाँ पर। ये ले लॉगी, स्पेशली तेरे लिए मैं यहाँ पर डीजे वाला सिस्टम बाय करूंगा। थैंक यू भाई, फिर तो मैं रोज आऊंगा घर पे। वो तेरे लिए स्मोकिंग वाली मशीन मैंने बाय कर ली। और इसी के साथ ही गाइस हमारा पूरा मेंशन कंप्लीट हो चुका है, हमने इस घर के अंदर हर एक चीज जो पॉसिबली बाय कर सकते हैं सब कुछ बाय कर लिया। और अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो ये रहा मेरा आलीशान मेंशन एकदम बढ़िया, वो भी बीच के ऊपर। मैन तो चलिए गाइस, ये रहा मेरा मेंशन पूरा बीच के ऊपर, मैं तो एकदम सुपर एक्साइटेड हूं इस मेंशन को यूज करने के लिए। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो गिव मी 200,000 लाइक्स। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एवरीवन एंड बाय-बाय।